शुक्ला सेवंथ, दिस इज़ योर नेक्स्ट सेशन एंड नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 2. द चैप्टर नेम इज़ रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. रेस्पिरेशंस मीन्स कि हमारे जो सांस लेने के जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. देयर रेस्पिरेशन हैव टू स्टेप्स, ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग में क्या होता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो और ऑक्सीजन इनहेल करते हो. और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स में होता है. सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है. इनहेलेशन में क्या होता है कि आप सांस अंदर लेते हो यानी ऑक्सीजन इनहेल करते हो, ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू द नोज, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन. एंड गेटिंग आउट और गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम द नोज इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. ठीक है, आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो अपने बॉडी के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन. और जब आप ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो तो दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या एक तरीके का प्रोसेस है. ठीक है, यू कॉल्ड इट ब्रीथिंग, यानी सांस लेना. आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हो, बाहर निकालते हो. ह्यूमंस में और एनिमल्स में क्या होता है, ब्रीथिंग सिस्टम कैसे किसके द्वारा होता है, थ्रू द लंग्स. ठीक है, लेकिन प्लांट्स में किसके थ्रू होता है, प्लांट्स हैविंग अ स्टोमेटा इन देयर लीव्स एंड लेंटिल्स इन देयर ब्रांचेस और स्टेम्स. सो ये क्या करता है, हेल्प करता है एक प्लांट को रेस्पिरेशन सिस्टम में. द नेक्स्ट इज इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ होती है, आपके ब्लड में. और जो कि फूड को किस में कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज में, जो कि जिसमें क्या होते हैं, सेल्स होते हैं. और जो कि क्या रिलीज़ करती है, यह रिलीज़ करती है ऑक्सीजन. ठीक है, द प्लेस दिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज होती है वो जगह गिरती है, टेक प्लेस ओनली विद द हेल्प ऑफ सेवरल केमिकल रिएक्शन. यानी हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसे क्या कहते हो, जिसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. यानी आप कह सकते हो कि प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी जैसे हमारे लंग्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे रेस्पिरेशन सिस्टम को चलाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. हम लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं. ठीक है, और ये लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे चेस्ट कैविटी में. चेस्ट कैविटी इज आल्सो नॉन एज थोरेक्सिव कैविटी. इसे और क्या कहते हैं, थोरेक्सिव कैविटी. इसमें क्या करते हैं, हमारे बॉडी में क्या होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं उसके जस्ट नीचे, जो हमारे रिबकेज होते हैं उसके जस्ट नीचे क्या होता है, कार्टिलेज होता है. जब भी हम सांस लेते हैं तो ये कार्टिलेज जो डायफ्रेम होता है, यानी जैसे आप सांस लेते हो तो क्या होता है, आपका जो कार्टिलेज होता है, जो आपका रिबकेज होता है, वो क्या होता है, अंदर की तरफ सिकुड़ता है. ठीक है, कंट्रास्ट होता है. और इसके अलावा जब आप सांस छोड़ते हो तो जब आपका कार्टिलेज होता है वो क्या करता है, फैलता है, यानी एक्सप्रेस होता है, यानी एक्सपेंड होता है. आर लंग्स आर अटैच टू द विंड कॉल्ड थ्रेसा. ये हमारे लंग्स जिससे कनेक्टेड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेसा. एंड विच लीड टू द आउटसाइड थ्रू आर नॉस्ट्रल्स, जो कि हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, व्हेन वी इनहेल एयर इट फर्स्ट पासेस थ्रू आर नॉस्ट्रल्स. जब भी हम सांस लेते हैं तो पहले हमारे नॉस्ट्रल्स से कनेक्टेड होता है, पहले हमारे नॉस्ट्रल्स से गुजरता है, फिर उसके बाद थ्रॉट से, उसके बाद ट्रेचा से, एंड उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का. कितने टाइप के रेस्पिरेशंस होते हैं, देर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक. एरोबिक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनारोबिक होता है ऑक्सीजन की, आप कह सकते हो कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है तब क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज कम्प्लीटली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. जैसे देयर इज अ 6, 12 और 6 और 6 और 12, दीज आर द
एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, आप कह सकते हो ये मॉलिक्यूल्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, और ये आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन के 12 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब भी ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तब ये किस में ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। आप देख सकते हो कि 6 × 2 = 12 कार्बन मॉलिक्यूल एंड 2 ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ से, और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, और एनर्जी रिलीज होती है। और जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे फूड को किस में ब्रेक करते हैं, इथेल एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन सॉरी एनर्जी रिलीज करते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या है ग्लूकोज। इससे क्या होता है कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इथिल एल्कोहल, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इथिल एल्कोहल, इथिल एल्कोहल रिलीज होता है। सो इन द नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी आपको बताया कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, फूड को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज और एनर्जी रिलीज करता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है, इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये इट हैपन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फूड पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, इसमें इथेल एल्कोहल और लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, और बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से हमारा पूरा बॉडी ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं हमें रेस्पिरेशन में, यानी हमें ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। सो सबसे पहले इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, मेन नोज, थ्रॉट, त्रेचा, ब्रॉनी, ब्रॉन्ची एंड लंग्स। सबसे पहले भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नोज के बारे में। हम किसके द्वारा सांस लेते हैं, यूजली हम कहते हैं कि हम नाक से सांस लेते हैं, ठीक है। जब भी हम नाक से सांस लेते हैं हमारे नाक में क्या होते हैं, नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो कि ओपनिंग होते हैं, यानी ओपन होते हैं हमारे नाक के अंदर। जब भी हमारे नाक, जब भी आप कह सकते हो कि इन द विंटर्स हमारी नाक क्या ठंडी हो जाती है, लेकिन जो नॉस्ट्रल्स होता है वो हमारी नाक को, यानी हमारी बॉडी को क्या करता है, हॉट हीट करता है और हॉट रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम चलता रहता है। और जो हमारे नाक के अंदर टाइनी हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो क्या हेल्प करते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं किसी धूल भरी जगह में है, या फिर छोटे छोटे ऑलवेज क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं आपकी हवा में, वो क्या करता है, जो आपकी नाक के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस पार्टिकल्स को रोकते हैं और क्लीन एयर आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट होती है। और माइक्रोबायोटिक्स ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यानी जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज को होते हैं वो, उसको भी क्या करते हैं, आपका नॉस्ट्रल्स से आपके जो नोज के टाइनी हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोकते हैं। द नेक्स्ट इज थ्रॉट, जो क्लीन एयर होती है वो कहाँ जाती है, हमारे थ्रॉट्स में, ठीक है। आप कह सकते हो इट्स अ काइंड ऑफ फॉग, आपने फॉग देखा होगा कभी अपने घर पे, यू ईट मैगी विद अ फॉग, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, एक हमारे बॉडी के अंदर भी एक ऑर्गन होता है, एंड ये किसको लीड करता है, दिस इज द लीड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक होता है डीपर टू द रेस्पिरेशन सिस्टम। द नेक्स्ट इज द त्रेचा, त्रेचा में जब भी ऑक्सीजन नोज से कहाँ जाती है, थ्रॉट में, थ्रॉट के बाद वो कहाँ जाती है, त्रेचा में। त्रेचा में क्या होता है, विद इन आपके अंदर बॉडी के, आपके नाक के अंदर क्या होता है, आपकी जैसे आप नाक से आप सांस लेते हो, उसके बाद आपके थ्रॉट्स में जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, त्रेचा में। त्रेचा आप फील कर सकते हो कि आपके गर्दन के नीचे, आपके शोल्डर और आपकी गर्दन, आपके जो फेस है उसके बीच में जो जगह है आपकी गर्दन है, उसको जब भी आप टच करोगे तो आपको एक बोन्स का एक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, दैट इज़ योर त्रेचा। और इसकी जो बोन्स होती है वो एज अ रिंग टाइप होती है। एंड जो लारेंक्स होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड वोकल कॉर्ड।
एयर इससे पास होती है, और जो वाइब्रेशन होता है उसी वाइब्रेशन के थ्रू साउंड क्या होता है, गले से बाहर आता है, और यू कैन से दैट इज आर इट्स आ वॉइस, ये हमारी क्या है, आवाज़। सो द नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एज वी ब्रीथ एयर पासेस डाउन टू द थ्रॉट, थ्रॉट से जाती है, उसके बाद कहाँ जाती है, त्वचा में जाती है, उसके बाद कहाँ जाती है, हमारे ब्रॉन्चेज में, दैट इज़ अ टू ट्यूब्स, हमारी बॉडी के अंदर दो ट्यूब्स होती है, दैट इज़ कॉल्ड लाइक एज ब्रांचेज। जैसे ये हो गया, ठीक है, पहले यहाँ से गया, ये त्वचा है, त्वचा से बाहर बाद में यहाँ से गया, दैट इज़ द ब्रॉन्चेज, यू कैन से दैट इज़ अ इट्स सिमिलर टू द ब्रांचेज। जैसे आप ये स्टेम मान लो, स्टेम की ये क्या है, दो ब्रांचेज हैं। द थिनेस्ट ब्रांच ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री, जो सबसे पतली ब्रांच होती है रेस्पिरेटरी ट्री की, यानी इसकी, दैट इज कॉल्ड एवियोली, बहुत ही पतली होती है, और इसके अंदर क्या होते हैं, बंच ऑफ बैटिन टाइनी बैलून्स, यानी छोटे छोटे बैलून्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एवियोलर, एवियोलर होते हैं। और एवियोली क्या करती है, एवियोली मेक द मेन ऑर्गन्स द रेस्पिरेशन, यानी जो ये मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर का, जो रेस्पिरेशन को प्रोसेस को कंप्लीट करता है। एंड ईच थिन एवियोली इज सराउंडेड बाई नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो एवियोलीज होती हैं किसके सराउंडेड होती हैं, किससे कवर्ड होती हैं, आपके कैपिलियर्स से, ठीक है। ब्लड हैज़ हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिससे जो क्या पिक करता है ऑक्सीजन को, फिर कहाँ से, एयर से, उसके बाद एवियोली से पास होता है, और ब्लड फ्लोइंग कैपिलियर्स, कहाँ पहुँचता है ब्लड, कैपिलियर्स में, दैट इज़ द ब्लू और रेड कैपिलियर्स, एंड वही ब्लड क्या कर कहाँ जाता है, हमारे हार्ट में, थ्रू द आर्टरी लेयर्स एंड ऑल द टिश्यूज़ ऑफ बॉडी, यानी पूरी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं वहाँ क्या पहुँचता है, ब्लड हमारी बॉडी में पहुँचता है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कम्प्लीट इन टू स्टेजेस, दो स्टेजेस में कम्प्लीट होता है। इन द फर्स्ट स्टेजेस फूड का क्या ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, क्या बनाता है, फूड ब्रेक डाउन होने के बाद में, यानी ग्लूकोज जब रिलीज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब क्या बनाता है, पैरुविक एसिड बनाता है, और यही पैरुविक एसिड, वी कैन से दैट दिस स्टेप इज ग्लाइकोसिस। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके पैरुविक एसिड बनाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिस कहते हैं। जब ये पैरुविक एसिड बन जाता है, तब क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, इस स्टेज में, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पैरुविक एसिड होता है वो एसिड किस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, जो कि और क्या रिलीज करता है, थोड़ी सी बहुत एनर्जी रिलीज करता है। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि जब कार्बोहाइड्रेट है, दैट ग्लूकोज है, फूड सब्सटेंस है, ये क्या करता है, ग्लाइकोसिस के थ्रू, यानी जब पैरुविक एसिड बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये ग्लूकोज का, जब पैरुविक एसिड बनता है ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, दैट इज द एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक में क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है क्योंकि इसमें पानी भी होता है, ठीक है, जी, विच हैव ऑक्सीजन इनसाइड इट, एंड एल्कोहल में क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है, तो क्या प्रोवाइड करता है, लेस एनर्जी। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रेस्पिरेशंस कैसे होते हैं, कौन कौन सा ऑर्गन है जो उनको हेल्प करता है रेस्पिरेशन करने में, यानी उनका रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है। रेस्पिरेशन इन द फिश, फिश में रेस्पिरेशन कैसे होता है, थ्रू द गिल्स, जो फिश में गिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। सो दीज आर फैदरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि जो फैदरी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज फ्लैप कवर्ड बाई द फ्लैप, एंड दैट इज कॉल्ड ऑपरिकुलम। जो फिश में गिल्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ फीडअप होते हैं, विद द ब्लड, ब्लड से फीडअप होते हैं फ्रॉम द हार्ट। गिल से क्या होती है, ऑक्सीजन पास आउट होती है, और ऑक्सीजन पास इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट होती है। सो रेस्पिरेशन इन ग्रास कूपर, ग्रास कूपर में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ग्रास कूपर में क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं हो पाता है, मूविंग ऑक्सीजन टू देयर बॉडी एंड सेटिंग वेस्ट गैसेस आउट।
इतना डेवलप नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो इसमें ऑक्सीजन इन करती है और जो वेस्टेज गैसेस होती है वो कहाँ जाती है, बाहर जाती हैं। इनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पाइकल्स। स्पाइकल्स क्या होते हैं कि इनकी बॉडी को हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और ग्रासकोपर की बॉडी पर थ्रू ए नेटवर्क ऑफ थिन एयर, पतली एयर की क्या होती है, कुछ ट्यूब्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेचा, दैट इज़ ऑल्सो इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ट्रेचा किस में डिवाइड होता है, दो ब्रांचेज में। ठीक है, दो ब्रांचेज में डिवाइड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी बॉडी में ईच एंड एवरी सेल ऑफ ग्रासकोपर बॉडी, जो ट्रेचुअल्स होते हैं, जो ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन होती है, इसकी पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट होती है। सो इसकी हर एक सेल में, हर एक ऑर्गेनिजम्स में क्या पहुंचती है, कार्बन ऑक्सीजन पहुंचती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में, जो कि वापस निकलती है इसी टाइनी एयर की ट्यूब से थ्रू द स्पाइकल्स, ठीक है, जो कि हेल्प करती है ग्रासकोपर को ब्रीथ करने में। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है और इसकी स्किन ही क्या करती है, इसको हेल्प करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी ऑक्सीजन एंटर्स थ्रू द स्किन। एंड अर्थवॉर्म प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीव थ्रू द एनिमल स्किन। ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है जस्ट थ्रू इट्स स्किन, अपनी स्किन के द्वारा। द नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एमीबिया। एमीबिया इज़ प्रेजेंट इन द सी और ये ज़्यादातर किस में होता है, पानी में होता है। इट डिपेंड्स, हमेशा ये डिपेंड करता है सिंपल फ्यूज़न ऑफ गैसेस, गैसेस के सिंपल फ्यूज़न में, यानी जब एक गैस दूसरी गैस से टकराती है तो दैट इज़ द एक उनमें क्या होता है कि ब्लास्ट होता है, और ये भी ब्लास्ट द फ्यूज़न ऑफ गैसेस उसको क्या कहते हैं, अमीबिया को ब्रीथ करने में यानी सांस लेने में हेल्प करता है। टू सप्लाई इट्स सेल्फ विद एनर्जी, अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए इसको क्या चाहिए होती है, एक तो ऑक्सीजन चाहिए होती है और इसके साथ साथ क्या चाहिए होता है, फूड। ऑक्सीजन पासेस थ्रू द वाटरी एनवायरनमेंट, पानी के एनवायरनमेंट के थ्रू ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है, अमीबिया के सेल मेम्ब्रेन्स में पहुँचती है, और जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है अमीबिया में वो पंप आउट हो जाता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, पानी से ही क्या होता है, अमीबिया को ऑक्सीजन मिलती है, और जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है, जो ज़्यादा पानी होता है, वही इसकी सेल मेम्ब्रेन से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। द नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ए टेडपोल हैज गिल्स, जैसे फिश में गिल्स होती हैं वैसे ही किस में गिल्स होती हैं, फ्रॉग्स में भी गिल्स होती हैं। एंड इट ग्रोज इन टू ए फ्रॉग, इट डेवलप्स एयर बैग्स। आप देख सकते हो फ्रॉग के यहाँ पर, जब भी फ्रॉग आपने देखा होगा, जब भी फ्रॉग सांस लेता है या बोलता है तो ये जो उसका बैग होता है ये क्या करता है, फूलता है। जब भी वो सांस लेता है या सांस छोड़ता है तब क्या होता है, ये बैग जो एयर बैग होता है वो क्या करता है, फूलता है और सिकुड़ता है। बर्ड्स एंड मैमल्स आल्सो हैव हैवीली डेवलप्ड लंग्स। इसमें क्या होता है, बर्ड्स में और मैमल्स में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, वेयर जहाँ क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट अभी तक हमने पढ़ा ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है, एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स में क्या होता है कि लीव्स पर स्टोमेटा होता है, लीव्स में जो स्टोमेटा होता है वहीं से प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम कंप्लीट करते हैं। और लेकिन कई प्लांट्स में क्या होता है कि वो प्लांट्स कुछ वुडी होते हैं और वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन प्लांट्स में रेस्पिरेशन किसकी वजह से होता है, रेस्पिरेशन इन द रूट्स, उनकी रूट्स में रेस्पिरेशन होता है। द रूट ऑफ ए प्लांट टेक द ऑक्सीजन नीडेड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल्स बाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आप जब किसी प्लांट के लीव्स के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं होता है तब वो प्लांट किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है, किसके थ्रू ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल करता है, रूट्स के थ्रू, क्योंकि रूट्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करती हैं, किसके थ्रू, सॉइल। सॉइल में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती है एक प्लांट को लिव लॉन्ग अपनी लाइफ जीने के लिए। नेक्स्ट इज आपने देखा हो, जैसे हमने अभी बात की कि
कई प्लांट्स में लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता, और कुछ प्लांट्स की रूट्स भी क्या करती है, हेल्प नहीं कर पाती है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, तनों में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी आप उसे कह सकते हो कि लेंटल्स। ये लेंटल्स कहाँ होते हैं, किसी भी पौधे, किसी भी प्लांट यानी किसी भी पेड़ की छाल में यानी उसकी बाग में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, और यही क्या करते हैं, एक प्लांट को रेस्पिरेशन सिस्टम में हेल्प करते हैं। द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेस इन टू द स्टेम ऑफ ए वुडी प्लांट थ्रू लेंटिसल्स एंड रिचेज ऑल इनर सेल ऑफ द स्टेम फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या करता है कि जो बाग होती है वही हेल्प करती है प्लांट को रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सो प्लांट में तीन तरीके से होता है, एक तो स्टोमेटा होता है, ठीक है, और स्टोमेटा के अलावा रेस्पिरेशन सिस्टम होता है रूट्स के, और रूट्स के बाद किस में होता है, स्टेम्स में, यानी जहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, लेंटिसल्स मौजूद होते हैं। सो क्लास 7 दिस इज योर चैप्टर 2, वी डन इट, एंड नेक्स्ट वी विल गोइंग टू डू आर क्वेश्चंस एंड आंसर। सो इफ यू डू इट फर्स्ट, द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इंसेक्ट एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, इंसेक्ट्स में कहाँ से पहुँचती है, इंसेक्ट्स में उनकी स्किन के थ्रू, ठीक है। सो ऐसे ही हम आगे वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करेंगे, और दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, एंड यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर, दैट इज नॉट मच बट या दैट इज अ क्वाइट लार्ज, बट आई नो दैट शिव लार वाई इंटेलिजेंट एंड वेल प्रैक्टिसेस चिल्ड्रन, एंड आई नो दैट यू कैन डू दिस ऑल क्वेश्चन एंड आंसर। सो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू आर चैप्टर नंबर 3।